सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि खुशी का ठिकाना आंगनबाड़ी बहन का नहीं रहा जब उन्होंने सुना कि आंगनबाड़ी में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अब मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन मिलेगा। इसी खुशी में बहन ने क्या किया, अपने 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी सेंटर में आने वाले बच्चों को बिस्कुट के पैकेट भी बांट दिए। अब इसको लेकर के लोगों की अलग अलग राय हो सकती हैं। मेरा मानना है ये उन बहनों के हिसाब से सही है और उनको खुशी हुई है। जिन बहनों को एक ये कष्ट बहुत ज़्यादा था कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो उनके आंगनबाड़ी सेंटर पढ़ने के लिए आते हैं और जो बहनें अपने सेंटर का संचालन सही से कर रही हैं, उन्हीं को इन चीज़ों की फिक्र होगी, चिंता होगी और ऐसा होने पर खुशी होगी, क्योंकि जब बहनें चलाएंगी सेंटर तो बच्चे आएंगे और जब बच्चे आएंगे और वो बच्चे 3 से 6 वर्ष वाले जब मिड डे मील नहीं खा पाते थे तो ऐसे में वो आंगनबाड़ी बहनों का भी मुंह ताकते थे और प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे खाना खा रहे होते थे उनका भी ताकते थे। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो क्या समझें कि ऊपर से उनके लिए नहीं आ रहा, तो वो आंगनबाड़ी बहनों से ही मांग करते थे। इन सभी बीच आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता था कि उनके बच्चे हैं जो उनका वो लालन पालन माँ की तरह कर रही हैं, वो बेचारे उनका मुंह ताक रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेज की गई तो एक बहन है जिनका नाम है साधना सोनी, पहाड़ी ब्लॉक से आती हैं, जिला चित्रकूट है, और उन्होंने कहा है कि आपकी न्यूज प्रतिदिन सुनती हूं, आपसे निवेदन है कि मेरी भी न्यूज दिखाने की कृपा करें। मिड डे मील की खुशी में बच्चों को बिस्कुट के पैकेट बांटे हैं। पहाड़ी ब्लॉक से बहन आती हैं, ग्राम बरद्वारा है। बहुत अच्छी बात है, ऑल इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही बहनें हैं जिनके वजह से बहुत से सेंटरों पर बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और आप उनके इस जो है खुशी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहनें खुश हैं। बच्चों को उनको पता है कि अब वो उनको मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, ना ही वो एक दयनीय स्थिति से बहनों की तरफ देखेंगे और ना ही बच्चों की तरफ जो प्राथमिक विद्यालय में खाना खा रहे होते हैं उनकी तरफ देखेंगे। तो जल्द ही बच्चों को ये निवाला मिल जाए, ऑल इंडिया भी बार बार प्रयास करता रहा। अब ऐसे में ऐसे लोग भले ही अपनी प्रतिक्रियाएं उल्टा सीधा कमेंट में लिख दें, क्योंकि वो वही लोग हो सकते हैं जिनको ना ही सेंटर पर जाना, ना बच्चे कितने आ रहे हैं तो उनको मिल रहा कि नहीं, इस बात से कोई जिनको फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अपनी समस्या अलग दिखाई देगी। लेकिन वहीं देखा जाए अगर तो ये बच्चों का अधिकार है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का अधिकार है 300 दिन निर्बाध रूप से साल में उनको भोजन की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित कराए। लेकिन नहीं मिल रहा था यूपी में, तमाम राज्यों में मिल रहा है, तो ये मिले तो अच्छी बात है। अब इसको लेकर के सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी तो सबके भाई दिमाग की जो सोच है वो एक जैसी हो नहीं सकती, लेकिन मैं इसको खुशी के नजरिए से देखता हूं और अपनी उन बहनों के हिसाब से देखता हूं जो केंद्र संचालन करती हैं। बच्चे आते हैं और बच्चे बेचारे मुंह ताकते रह जाते हैं और बहनें हमारी इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपनी जेब से हमेशा कुछ खिलाती रहे या अपने घर से खाना बना बना करके खिलाती रहे। बिस्कुट तो 1-2 रुपए का बहन दे देंगी कभी कभार, तो वो एक अलग बात है, वो उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर बहन नहीं दे पाएंगी या देंगी या उन पर निर्भर है, मैं नहीं कह सकता। काफ़ी लोग हैं, बहुत से ऐसे काम आते हैं गांव घर में परिवार में जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों से होते हैं, उनमें काफ़ी लोग कोई 100 कोई 500 कोई 200 रुपया देता रहता है, तो वो एक अलग है, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से चीज़ें हैं। यहाँ पर जो खुशी है वो उनकी श्रद्धा है अपने बच्चों के प्रति जो वो पढ़ने आते हैं, और एक टीचर का और एक जो है बच्चे का जो भी अपना वो जुड़ाव है एक तरह से वो बहुत ही अच्छा है। तो अपने अलग अलग तरह के लोग हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि सबकी प्रतिक्रियाएं अलग हैं। आप जैसी सोच रखते हो आपकी आपको सोच मुबारक हो, लेकिन ऐसी भी हमारी बहनें हैं जो ऐसी भी सोच रखती हैं, उनके लिए मैं आज का ये वीडियो उनको भेज रहा हूँ। साथ ही साथ आप देखिएगा यहाँ पर और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि अगली खबर पर आए तो भारत प्रसाद जी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं लखीमपुर खीरी से, उन्होंने 4 अक्टूबर को लेटर जारी किया, पत्रांक संख्या 1326 है। सीडीपीओ लोगों को लेटर भेजा गया और इसमें लिखा गया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान, इनके अंतर्गत दिनांक 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ब्लॉकवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के संवेदीकरण के संबंध में था, तो 13 अक्टूबर हो गया, लेकिन ध्यान देना पूरे अक्टूबर महीने भर कार्यक्रम मनाए जाने हैं। तो यहां पर कृपया उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 1237
21 दिसंबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के पत्र संख्या 4740 19/9/23 का लेटर संलग्न है और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र 963 14/9/23 का लेटर निर्गत निर्देशों के क्रम में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 3 अक्टूबर से जो 31 अक्टूबर तक चलने वाला है और जो दस्तक अभियान 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो आज 15 हो गई, कल 16 अक्टूबर से ये भी चलेगा। तहसील एवं जनपद स्तर पर आयोजित किए जाने के संबंध में समस्त गतिविधियों की समय सारणी सामान्य दिशा निर्देश भी संलग्न करते हुए आपको निर्देश किया जाता है कि बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के कार्य और दायित्व के संबंध में अपने अधीनस्थ को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम में समस्त परियोजनाओं में संलग्न कार्ययोजना के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का संवेदीकरण किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी उल्लेख करना है कि जिन परियोजना में संवेदीकरण के दिन जिन कार्यकर्तियों के क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष या विचंडी सत्र में लगे हों, उन कार्यकर्तियों को उक्त दिवस में ना बुलाकर निर्धारित दिवसों में बुलाया जाए, जिससे मिशन इंद्रधनुष अथवा विचंडी कार्य भी बाधित ना हो। तो इस हिसाब से एक लेटर आया था, 13 तक होना था, उसी के बारे में था, लेकिन ये महीने भर क्या क्या होगा, कैसे होगा, उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर कोई अधिकारी विजिट करता है, पूछता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इस महीने कौन सी डेट से कौन सी डेट तक क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो वहीं पर इसका तिथिवार समय विवरण भी भेज दिया गया था, तो उसी के बारे में है, बैच बनाई गई थी। वहीं गुड्डी बहन है, सीतामढ़ी से आती है। बिहार सरकार का 9 जून का 2022 का यह लेटर है, यानी लेटर पिछले साल का है, बिहार में जारी हुआ था और मुख्य सचिव बिहार पटना की तरफ से जारी होकर सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, तो सभी जिला पदाधिकारी सबको भेजा गया था। और इस लेटर का जो विषय था वो था कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को अन्य किसी विभागों के कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं करने के संबंध में। यानी अगर हम बात करें कि आंगनबाड़ी बहनों को गैर विभागों के कार्य ना कराए जाएं, तो इससे जुड़े हुए केवल यूपी में ही आदेश नहीं है, हर एक राज्य के लिए ऐसे ऑर्डर थे। क्योंकि मैंने बहुत बार कहा था कि भारत सरकार से, यानी केंद्र सरकार से, आपके महिला बाल विकास मंत्रालय से भी लेटर जारी हुए थे कि आंगनबाड़ी बहनों से केवल विभागीय कार्य आईसीडीएस की जो 6 सेवाएं हैं उन्हीं के तहत कार्य कराए जाएं, अन्य विभागों के कार्य ना कराए जाएं। लेकिन विभाग की उदासीनता और तमाम राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग तरह से जिलों में अधिकारियों द्वारा निकाले गए आदेश, दिए गए काम सौंपे जाते हैं और वही सब बहनों से जबरन कराए जाते हैं। ना करने पर सेवा समाप्तियां कर दी जाती हैं, आवाज उठाने पर मानदेय रोकने की कार्रवाई और सेवा समाप्ति की कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस, इन्हीं सब चीजों से बहनों को डराया जाता है। जबकि आप जानते हैं केंद्र सरकार, भारत सरकार से साथ ही साथ निदेशालय, राज्य सरकारों से भी लेटर हैं कि इन कामों का जो है ध्यान दिया जाए, ऐसे काम ना कराए जाए, लेकिन फिर भी जिलों में ऐसे काम भर भर के बहनों से कराए जाते हैं और कोई इन चीजों का हल निकल के नहीं आता। साथ ही साथ देखिएगा, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आईसीडीएस कार्यक्रम के सफल संचालन में आंगनबाड़ी केंद्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो है निबंधित गर्भवती धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण शिक्षा, संदर्भ सेवाएं आदि प्रदान की जाती हैं। सेवा में किसी भी प्रकार की कमी से बच्चे, महिलाओं के स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण मापदंड पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए तो बोला जाता है गैर विभागों के काम ना कराए जाएं, लेटर से, यानी आप विभाग से लेटर भी आ जाते हैं, लेकिन उन लेटर आदेशों का अवहेलना जिलों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि लेटर का पालन ही नहीं होता। उच्चाधिकारियों के लेटरों की अवहेलना जिलों के ही उच्चाधिकारी करते हैं, अब ऐसे में लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई निदेशालय से प्रस्तावित नहीं होती। लेकिन वहीं अगर आंगनबाड़ी बहनें गैर विभागों के काम में अगर वो ना कर पाए या खराब प्रदर्शन भी रहे तो सेवा समाप्ति उनकी तुरंत कर दी जाती, जबकि ये चीजें एक तौर पर गलत है। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र के सफल संचालन के अनुश्रवण के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, सेविका सहायिका, इनकी अहम भूमिका है। प्रायः देखने में आ रहा है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अन्य विभागों के संबंधित कार्यों में भी प्रतिनियुक्त किया जाता है, जिससे समेकित बाल विकास सेवा योजना का सतत अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन बाधित होता है। मेरा एक सुझाव है, देखो
ऊपर से लेटर है, कार्य ना कराया जाए, विभागीय कार्य बाधित हो रहे हैं। अगर विभागीय कार्य न ढंग से कर पाने के कारण किसी बहन पर कार्रवाई होती है, सेवा समाप्ति होती है, तो ऐसी बहनों को चाहिए कि उन लेटरों को ले जा करके कोर्ट में केस कर दें और केस में ये करें कि देखो विभागीय काम के लिए बोला गया और तमाम लेटर भी आए हैं, उसके बावजूद भी गैर विभागीय काम जबरन कराए जाते हैं, ना करने पर कार्रवाई होती है और करो तो हमारे विभाग के काम प्रभावित होते हैं। और यही कारण रहा कि कार्य विभाग का प्रभावित रहा, क्योंकि हम गैर विभागीय कामों में लगाए गए, ये काम गैर विभागीय हैं जो हम पर सब पर सौंपे गए और हमने इनको किए हैं, जिसके चलते हमारे विभाग के कार्य डगमगा गए। क्योंकि काम तो भाई करेंगे, जितना पेमेंट उतना काम, और उसके अलावा समय निर्धारित है काम का उतना करेंगे, और एक कार्यकर्ता जो जरूरी है वही तो करेगा जो उसके मेन विभाग का काम है, और उसके अलावा विभाग से खुद लेटर है कि गैर विभागों के काम ना कराए जाएं, फिर भी कराए जाते हैं और उल्टे कार्रवाई। तो देखो फिर कोर्ट ऐसे मामलों में क्या ऑर्डर देता है। लेकिन कोर्ट तो कह कह चुका है गैर विभागों के काम ना हो, लेकिन सेवा समाप्तियां अगर हो गई हो ऐसे मामलों में, वो भी कोर्ट जाए और फिर देखो उसकी सेवा बहाल होती है, विभाग को फटकार लगती है, अधिकारियों को, या क्या होता है। ऐसे में वो अपने हिसाब से सोचें, क्योंकि देखो ये मानसिक पीड़ा का एक पूरा केस बनता है एक तरह से, क्योंकि विभाग कह रहा ये ना कराओ और जिले वाले मान नहीं रहे उसको कर रहे, तो फिर निदेशालय से ऐसे जिलों के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई जो जबरदस्ती उन कामों को करा रहे हैं, जिसको ना कराने के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी निदेशालय से सब कहीं से लेटर भी जारी है, बावजूद इन चीजों के वो काम हो रहे हैं, ना होने पर कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह से की जाने वाली कार्रवाइयां क्या गलत श्रेणी में नहीं आएंगी? तो ये शोषण नहीं है क्या है? तो इस बारे में आप लोगों के अगर कोई विचार हो तो कमेंट में अपने विचारों को जरूर दें। इसमें क्या लिखा गया, इस योजना के अंतर्गत कार्य जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सीरीपीओ पर्यवेक्षक ये सबको बोला गया आवंटित कार्यों में अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे कार्यक्रमों में लगाया जा सकेगा जो समेकित बाल विकास सेवा योजना से जुड़े हों और जिसमें उन्हें अपना केंद्र छोड़कर कहीं अन्य जाना ना पड़े। लेकिन केंद्र छोड़कर जाने के लिए ऐसे 75 काम बहनों से करा लिए जाते हैं जिनमें सेंटर छोड़ के बहनों को जाना पड़ता है। अब टीकाकरण है, सेंटर पर होना है तो कोई दिक्कत नहीं, होता है, होता रहेगा, वो टीकाकरण सेवाओं में आता है आंगनबाड़ी बहनों की। लेकिन बहुत से कार्य हैं जो गाँव में घूम घूम करके इधर उधर दौड़ दौड़ करके बहनों के करवाए जा रहे हैं, ये सब गलत है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को राष्ट्रीय जो है महत्व के कार्यक्रम यथा पल्स पोलियो के कार्य में लगाया जा सकेगा, परंतु उनके द्वारा यह कार्य आंगनबाड़ी केंद्र में ही किया जाएगा, अर्थात आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की अवधि में ये अपने केंद्र में उपस्थित रहेंगे। कुल मिलाकर देख लिया आपने, ऐसा यहाँ पर लिख दिया गया पल्स पोलियो का भी काम बहने करेंगी, सेंटर पर रह करके ही करेंगी जिस दिन एक दिन होता है, बाकी के जो दिन होते हैं 6 दिन शायद ड्यूटी के अलग पल्स पोलियो के गाँव भ्रमण घूम घूम वाले, उसमें कार्यकर्ता को नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर सेंटर बाधित होगा, और अगर होना भी है तो फिर पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में ना हो जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालन का टाइम हो। अब सोचो 6 दिन पोलियो है, बाहर घूम रही मैंने, बच्चों को कौन पढ़ाएगा भाई? जिम्मेदारी वो है सेंटर चलाने की, वो सब वो तो अपना पल्स पोलियो वाला कर रही, और एक पल्स पोलियो कार्यक्रम तो स्वास्थ्य विभाग का है, अब उनको इसका न्योचित उपाय करना चाहिए। जैसे टीकाकरण सेंटर पर रहकर एक दिन हो जाता है, पल्स पोलियो भी एक दिन सेंटर पर रहकर भी बूथ लगता है और होता है, उसमें कार्यकर्ता का होना जो है समझ में आता है। तो इस तरह से देखो यहां पर पॉइंट भी बिहार में दे दिए गए, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं ऐसे नियमों का उल्लंघन जमकर के होता है। केवल बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने में आपको इन नियमों का उल्लंघन मिल जाएगा, विभागीय कार्यों के अलावा कार्य कराते हुए बहने मिल जाएंगी और ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाइयां भी होती हुई आपको दिख जाएंगी। तो ऐसे में मेरा यही कहना है, कृपया संज्ञान लिया जाए ऐसे मामलों में और बहनों का शोषण कम किया जाए। मिथिलेश मुरादाबाद से, उन्होंने एक ये फोटो भेजी है, और ये सुधा सिद्धार्थनगर से हैं, कृष्णा प्यारी मथुरा से हैं, सुनीता बस्ती से हैं, सूरजकली रायबरेली से हैं, ऐसे अनीता बिजनौर से हैं, माया कौशाम्बी से हैं, उमा कानपुर देहात से हैं, और ये ब्रजेश संभल से हैं, और इनको एक प्रशस्ति पत्र मिला। अब देखिए इसमें लिखा है प्रशंसा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो विभाग आपको क्या देता है? ये प्रशस्ति पत्र देता है, और बहनों को अगर इसमें खुशी है, अगर उनको लगता है आपका उज्जवल भविष्य हो जाएगा इस प्रशस्ति पत्र से, तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम तो हमेशा कहेंगे आपका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन बहनों इस इतने से कुछ नहीं होगा, जब तक मेहनताना हमें हमारा सही नहीं मिलता और जब तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, क्योंकि काम तो हो रहे हैं, जबरन कराए जा रहे हैं कर्मचारियों से भी ज़्यादा दबाव बना करके, और कहने के लिए हम समाजसेवी हैं भाई, समाजसेवी कोई होगा समाज सेवा करेगा तो अपने
स्वेच्छा से करेगा, ना कि जबरदस्ती। और अगर ऐसे नियम आदेश निकाल निकाल कर्मचारी की तरह कराए जा रहे हैं तो कर्मचारी का दर्जा भी मिलना चाहिए, और दर्जा मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, सब कुछ अधिकार है लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। ग्रेजुटी अधिकार है लेकिन फिर भी नहीं मिलता। 47-47 साल बहने काम की है विभाग में लेकिन फिर भी बहनों को कुछ नहीं मिला। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए।